अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है यमी केक रस्क की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में इनको प्रिपेयर करूंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल, 1 कप मैदा, 1/2 कप आइसिंग शुगर, 1/2 कप मिल्क, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 पिंच हमारे पास है ऑरेंज फूड कलर, 2 अंडे, चॉकलेट चिप्स 2 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और अब मैं इस पे लगा दूंगी बटर पेपर। देखिए मैंने बटर पेपर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। सबसे पहले हम बोल में लेंगे 1/2 कप मिल्क। इसमें डालूंगी मैं अंडा। अंडा हम पहले चेक कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर, वेनिला एसेंस, 1/2 कप आइसिंग शुगर। अगेन बीट करेंगे। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऑयल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से छान लेंगे। मैदा मैंने पहले भी छाना था। इसको इस तरह से करने का मकसद ये होता है कि इसमें किसी किस्म के लम्स ना रहें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कीजिएगा। अब हम ये सारा बैटर मोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको अवन में रखूंगी। बीस से 25 मिनट के लिए इसको मैंने 180 डिग्री पे बेक होने के लिए रख दिया है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं।
कलर तो बहुत अच्छा आया है, ये देखिए स्टिक बिल्कुल खाली आई है। इट्स मीन ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम वेट करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट ये ठंडा हो जाए। फिर ठंडा हो के मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए केक मैंने बेक कर लिया और इसके मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसको मैं रख रही हूँ साइड में। एक ट्रे लेंगे, बेकिंग ट्रे। इस पे लगाऊंगी मैं बटर पेपर। और हमने जो केक बेक किया था इसके स्लाइसेस को हम यूं रख देंगे सिंपली। अब मैं इसको 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। हम चेक करते हैं, देखिए कितने खूबसूरत बेक हो गए हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। देखिए हमारे यमी से केक रस्क तैयार हैं। मैं इसकी क्रिस्पनेस आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, मज़ेदार केक रस्क तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आएं और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और देखिए तरा इतने यमी क्रिस्पी केक रस्क बने आज हमारे यहाँ और घर में बेक्ड हुए हैं ये केक रस्क। और इतने यमी, इनकी खुशबू इतनी अमेजिंग है, बहुत अच्छी खुशबू घर में फैली हुई थी जब ये बेक्ड हो रहे थे। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने। ओ वाओ, ये देखिए क्रिस्पनेस मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए कितना क्रिस्पी है, कितना क्रिस्पी बना है बिल्कुल, और जैसे बेकरी के होते हैं उससे भी अच्छे केक रस्क बने। चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यमी। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा बना है, बहुत बेहतरीन बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार के होते हैं, बाजार से भी अच्छा। मैं कह रही हूँ बाजार में तो, और साइज कितना छोटा सा होता है बाजार के केक रस्क का, और इतना छोटा सा होता है एक ही बाइट में घुल जाता है। माशाल्लाह देखो कितने बड़े बड़े केक रस्क है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, और चाय के साथ इतना अमेजिंग लग रहा है इसका टेस्ट, बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छे बेक्ड हुए हैं। और जो तुमने इसमें चॉकलेट चिप्स डाले, बाजार में तो चॉकलेट चिप्स भी नहीं मिलते केक रस्क में, बहुत टेस्ट दे रहे हैं, बहुत थैंक यू, बहुत माइंड ब्लोइंग है गाइस, जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। थैंक्स, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। माइंड ब्लोइंग है, इट्स वेरी यम्मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।